गुड आफ्टरनून टू ऑल, मैं डॉक्टर हेमंत सिंह, आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आई थिंक आप लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे अपने टाइम को, स्टडी को भी, है ना। और बिल्कुल सेफली रहना है, डिसीज़ का टाइम है कोरोना के बारे में, है ना, जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। तो बिल्कुल आप लोग अलर्ट रहिएगा, सुरक्षित रहें, जहाँ तक कोशिश हो बाहर ना जाएं, अभी हाल फिलहाल तो ना ही जाएं, इन्फेक्शन का दौर है। खैर, जो भी सरकार कर रही है काफ़ी कुछ बेहतर है, हम सीधे हमें अपना जो काम करना है हमें उसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल दूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लेक्चर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि जब प्रॉपर उस पर व्यूज़ होंगे और प्रॉपर उसमें लाइक्स होंगे तभी मैं आगे कैरी करूँगा टेक्नोलॉजी, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो आप इस बातों को समझें, चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। अंकित सोनाली जी, भरत जी, सौम्या, प्रांजलि, मुस्कान, प्रांजलि तुम बहुत गोल रहती हो, प्रांजलि, मुस्कान, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत जितने लोग मुझे शो हो रहे हैं मैंने सबसे गुड आफ्टरनून कर लिया, प्रशांत जी को भी गुड आफ्टरनून। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और देखिएगा, कल हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर किया था एक्सक्रीशन के बारे में, आप लोग यदि देखें मच बेटर आपको समझ में आया होगा लेक्चर, मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी वहां पर, ठीक है। गुड आफ्टरनून सोनी, सृष्टि ना, चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज हमें बेसिकली पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल आपके लिए रेगुलरिटी जरूरी है ना, उसमें सिंसियरिटी के साथ देखिएगा। देखिए, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक्चुअली क्या है, जब स्ट्रीम कभी कभी ऑफलाइन हो जाती है तो ऐसा नहीं करना है कि आप लोग चले गए और हाँ ठीक है दूसरे काम, नहीं, मैं 100% दोबारा से आऊंगा, 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, क्योंकि नेट इश्यूज तो नहीं बोलेंगे, टेक्निकल एरर होती है कभी कभार, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं, लाइव स्ट्रीम है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। आज आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद में, लास्ट तक ज्वाइन कीजिएगा। सनोवर, गुड आफ्टरनून, दिव्यांशु जी नमस्ते। चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक को। और देखिएगा, प्रीवियस जो लेक्चर थे मैंने उनमें सब कुछ आपको समझाया, बायोलॉजी का एक एक पॉइंट में आपको कवर करा रहा हूं, प्रॉपर आपको नोट्स मिल रहे हैं। मैंने जो कल दो नंबर लिखे थे उन नंबरों को कोई भी स्टूडेंट आज दोबारा से लिख देगा यहां पर ग्रुप में, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर नंबर वो याद है नहीं, ठीक है। तो नंबर आप लिख देंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों तरीके से नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जो है वो भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, सेक्शन वाइज हम देंगे टेस्ट आपको, टेस्ट पेपर बना के टाउन सर जो है रात में 10 बजे लेंगे अकेडमी पर, वहां आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सोनाली गुड आफ्टरनून, प्रकृति गुड आफ्टरनून, संगम जी, चलिए सभी लोगों को, सर कितने चैप्टर हो गए हैं, भरत जी चैप्टर तो शुरू से चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप चिंता मत कीजिएगा, आपको फिर भी समझ में आएगी मेरी बात। प्रीवियस लेक्चर जो लिया हूं मैं बिल्कुल शुरू से लिया हूं, इंट्रोडक्शन से 5 या 6 के आसपास चैप्टर हुए हैं बायोलॉजी के अंदर, यदि हम देखेंगे टोटल मिला के 19 के आसपास चैप्टर हैं, 19 के 19 में आपको कवर कराऊंगा A to Z, फिर जब टेक्नोलॉजी बताऊंगा तब भी कवर करेंगे। कपिल राठौर जी गुड आफ्टरनून, सर ऐड हो गए ग्रुप से, ऐड हो गए, ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, सौम्या मेरा भरपूर सहयोग दे रही है, तुरंत नंबर लिख दिया, ये रियल में वीरांगना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं नर्वस सिस्टम पे, आप लोग मुझे गौर से सुनना, आखिर होता क्या है। देखिएगा, आप लोग जरा विचार करें, आप लोग गौर करें मेरी बात पे जरा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, मेरा ध्यान देखिए कितनी सारी जगह है, एक तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन पे ध्यान देता हूं, क्वेश्चन का आंसर करना है मुझे, साथ ही साथ मुझे सीक्वेंस भी याद रखना है कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये भी याद रखना है कि मुझे बोलना क्या है, राइट, मुझे अपनी टंग पे भी कंट्रोल रखना है, मुझे अपने हाथ पर लिखते समय भी कंट्रोल रखना है, साथ ही साथ मेरी सांसें भी तो चलनी चाहिए, यदि सांसें रुक जाएंगी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगा, सांसें भी मेरी बराबर चलनी चाहिए। गुड आफ्टरनून बेबी जी, ठीक है। तो आप यहां पर बात याद ही रखेंगे, हमारे शरीर के अंदर बेसिकली डिफरेंट जो ऑर्गेन होते हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में एक रिदम होती है, और इस रिदम के साथ साथ हमारे जीवन की कंटिन्यूटी, हमारी वाइटिलिटी लगातार बनी रहती है। ये स्पेशलिटी जिससे हमारी वाइटिलिटी बनी रहती है, सभी ऑर्गेन के बीच में, सभी पार्ट्स के बीच में प्रॉपर एक कॉन्टैक्ट होता है, इससे रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम देखने को मिलेगा, अंगों का समूह देखने को मिलेगा, उसी को कहते हैं नर्वस सिस्टम। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने क्या बोला है, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए, मैं क्या बोला हूं नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, पार्ट्स के बीच में एक रिदम होती है, और हमारी जिससे वाइटल एक्टिविटी, जीवन की क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, बेसिकली ये जो रिदम होती है, इस रिदम को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो मेनली सिस्टम देखने को मिलता है, उसे ही हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप लोग मेरी बात समझ गए हो तो जल्दी से आप लोग लिख दीजिएगा यस यस, जिससे मैं आगे चलूंगा, ठीक है। और आने जाने वाले जो है ना, गए फिर 2 मिनट के बाद आ गए, उनके लिए बहुत स्कोप नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता दूं, साइंस कहते हैं इसको
काफ़ी डिफरेंस है दूसरे सब्जेक्ट से, यहाँ समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। सर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनवा, हाँ बिल्कुल मैं बनवाता हूँ, मेरी बात चल रही है, मैं बनवा दूंगा, आप चिंता ना कीजिए, एक दो दिन के अंदर हो जाएगा। चलिए पहली बात तो आप लोग ये याद रखेंगे, हमेशा याद रखना है आपको, देखिएगा हमेशा प्लानिंग का एग्जाम है, मैनेजमेंट का एग्जाम है, प्लानिंग का एग्जाम होता है। जो लोग धोखे में जीते हैं कि जिस सब्जेक्ट में उन्हें आनंद पड़ता जा रहा है बस वही पढ़ते जा रहे हैं, अब पेपर देने जा रहा है एनटीपीसी का, लगा है चैप्टर नंबर फर्स्ट का आर्टिकल नंबर फर्स्ट पढ़ने के लिए, अब उसमें आना ही नहीं है, वो आना क्या है ये पहचानिएगा। सिविल सर्विस में जा रहे हैं सभी को आपको वेटेज देना पड़ेगा, एग्जाम टू एग्जाम अंतर होता है, डिफरेंस पहचानिएगा। आज की डेट में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर साइंस नहीं पूछा जाता हो, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आता हो, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा तैयारी कर रहे हैं तो उसका फल मिलना चाहिए, तब तो बात है। चलते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, यानी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिकली इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है नर्वस सिस्टम के बारे में, कि हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए, वाइटल एक्टिविटी को लगातार बनाए रखने के लिए जो सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट में पहले आप सुन लीजिएगा, पढ़ाने का तरीका ये होगा मेरा, आज मैं पूरा का पूरा आपको इसके जितने भी बेसिक्स हैं इस टॉपिक के सब कुछ कवर कराऊंगा नर्वस सिस्टम के। कल जितने भी फैक्चुअल हैं, जिसको लोग पढ़ाई समझते हैं, और क्यों पढ़ाई नहीं होती है सिर्फ रटना होता है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको कल मिलेगी, आज मेरी बातों को समझ लीजिएगा। देखिएगा जो नर्वस सिस्टम होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया था वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब अंगों को, विभिन्न अंगों के बीच में एक तारतम्यता होती है जिसकी वजह से जीवन की निरंतरता या वाइटलिटी लगातार बनी रहती है, इसके लिए जो अंगों का समूह होता है उसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। बेसिकली यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है कोऑर्डिनेशन, आप खुद देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम है वही आपका नर्वस सिस्टम है। तो पहले तो हम कोऑर्डिनेशन को समझेंगे तब हमको नर्वस सिस्टम समझ में आएगा, वरना नहीं। प्रशांत श्रीवास्तव जी हेलो, चलिएगा वीडियो पॉज मेरी तो नहीं हो रही है, सब कुछ क्लियर है। वर्षा जी अपना नेट चेक कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं यदि बीच में इंटरप्शन होता है तो वेट कीजिएगा, मैं 100% दोबारा से आऊंगा, पूरा का पूरा टॉपिक कवर करूंगा जितना मुझे पढ़ाना है। देखिएगा यदि कोऑर्डिनेशन को हम देखेंगे, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय बोलते हैं, समझ लीजिएगा जितने भी जीवधारी होते हैं उनके शरीर के अंदर, उनमें बेसिकली समन्वय देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली दो तरीके से होता है, समन्वय दो तरीके से होता है शरीर में, एक तो जो समन्वय होता है तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है, नर्व के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के माध्यम से होता है, आवेगों के माध्यम से होता है। क्या मतलब है जरा समझाता हूं, देखिए मैं बोलता हूं हमारे शरीर के अंदर कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होगा, एक तो कोऑर्डिनेशन होगा बाय इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, मैं बताऊंगा अभी आपको इसका मीनिंग, बाय इलेक्ट्रिक इंपल्सेस और नर्व्स। इसका मीनिंग ये है हमारा जो ब्रेन होता है बेसिकली उससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसके माध्यम से बॉडी के अंदर कुछ करंट जनरेट होता है। जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हाथ से लिख रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि मैंने मुंह में मारकर फंसाया और लिखने लग गया, ऐसा तो मैंने नहीं किया ना, क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा जो ब्रेन है, मेरा जो मस्तिष्क है, ये वास्तविकता में कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा जिनसे कुछ करंट उत्पन्न होगा और ये करंट मेरे हाथ को मैसेज देगा कि भैया हाथ से जाके लिखना है, मुंह से नहीं लिख देना, समझ गया ना। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन समन्वय जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी कि करंट के माध्यम से होगा, स्लाइटली करंट के माध्यम से, या फिर तंत्रिका है हमारे शरीर में, आप समझ लीजिएगा तारों का जाल बिखरा पड़ा हुआ है, समझाएंगे भी आगे, नर्व्स के माध्यम से होता है। ऐसे कोऑर्डिनेशन को करने के लिए हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लियर आई बात समझ में। इसके अलावा हम देखें हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन करने का काम कुछ स्पेसिफिक केमिकल भी करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स भी करेंगे, गुड आफ्टरनून नंदी जी, कुछ विशेष प्रकार के केमिकल भी करते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। आज मैं आपको थोड़ा हॉर्मोन्स के बारे में बता दूंगा, नाम सभी ने सुना होगा, हिंदी में भी हॉर्मोन्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। हॉर्मोन्स के माध्यम से भी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन जब हॉर्मोन्स के माध्यम से बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, इससे संबंधित जो हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं, कई सारे अंग देखने को मिलेंगे जिनसे हार्मोन बन रहे होंगे, केमिकल बन रहे होंगे, इन अंगों के समूह को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम या फिर अंतःस्रावी तंत्र ना, ठीक है, जरा समझिएगा मेरी बात को यहीं पर।
मैं बोल रहा हूं हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन जो है दो तरीके से हो सकता है। एक जो कोऑर्डिनेशन होगा बेसिकली वो करंट के माध्यम से होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के माध्यम से होगा, या फिर तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं मतलब शरीर के अंदर तार, अभी इतना समझ जाइएगा, बताएंगे आगे। तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है इस तरीके से, जो शरीर का कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा शरीर को, उसको हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। जबकि जो कुछ विशेष प्रकार के केमिकलों के निर्माण के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उन्हें हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स जिन जिन अंगों से निकलते हैं उन्हें एक साथ मिला के बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम से क्या निकलेंगे? हॉर्मोन्स निकलेंगे। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, आज हमको पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी को अध्ययन को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को, प्रशांत तिवारी जी, क्या लिखा है आपने? अध्ययन समझा नहीं, मैं फिर से लिख लूंगा। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या होगा हॉर्मोन्स के लिए? एंडोक्राइन सिस्टम। जरा देखिएगा, पौधों के अंदर कभी मस्तिष्क पाया जाता है क्या? कभी नहीं पाया जाता। पौधों के अंदर ब्रेन नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधे भी तो लिविंग है। पौधों के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए जो आपको देखने को मिलते हैं वो हॉर्मोन्स ही देखने को मिलते हैं। पौधों के अंदर कोऑर्डिनेशन करने का काम हॉर्मोन्स करते हैं। हॉर्मोन्स यानी उनके अंदर आप देखेंगे, उनके अंदर केमिकल रेगुलेशन ही देखने को मिलता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन ही देखने को मिलता है। लेकिन पौधों के अंदर जो हॉर्मोन्स बनते हैं उन पार्ट्स के समूह को हम एंडोक्राइन नहीं कहते हैं। याद रखना आप मेरी बात को, क्योंकि एंडोक्राइन वर्ड जब ही आएगा जब केमिकल्स को ब्लड के अंदर डाला जाएगा, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर क्या जाएंगे? हॉर्मोन्स जाएंगे। इसलिए हॉर्मोन्स पौधों में भी होते हैं, लेकिन पौधों में शब्द एंडोक्राइन नहीं आता है, अंतःस्रावी नहीं आता है, केवल जंतुओं के लिए शब्द आता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है आपको? यदि यहां पर समझ में आ गई हो मेरी बात, जल्दी से यस यस लिख देंगे जिससे हम आगे बढ़ेंगे इसके अध्ययन को। बिल्कुल एंडोक्राइन, आप समझ गया मैं आपकी बात। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी, प्रशांत श्रीवास्तव जी ने जानकारी दी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। और चलिए गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई आपको बात। तो आज हमारा जो टॉपिक है हमको पढ़ना है बेसिकली सॉरी नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, हमको समझ में आ गया हम पढ़ना क्या है। हमको नर्वस सिस्टम क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन करेगा। क्या पढ़ना है मैं अब बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं रेस किए देता हूं और मैं आगे चलता हूं। चलिए अब हम बात करेंगे आगे, और आगे यदि हम देखें, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आखिर होता क्या है। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं केवल अभी आपको सब्जेक्ट का बेस तैयार कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से समझ में आएगा। देखें, यदि हम देखें हमारे शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से शरीर के भिन्न भिन्न भागों को कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करता है ना, समन्वय करता है या विनियंत्रित करता है, इसके लिए देखो पूरा एक सिस्टम बताता हूं मैं आपको। देखिएगा, ये हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क है, ब्रेन है ये। ठीक है, हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं, मैं ब्रेन लिख रहा हूं। ये है आपका ब्रेन, ओके ब्रेन। वास्तविकता में जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, मुझे देख लीजिएगा, ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है अंदर की तरफ होगा ना, ब्रेन क्रेनियम हड्डी बोला था मैंने इसको, याद होगा क्रेनियम। ब्रेन का जो निचला वाला हिस्सा होता है ये पूंछ के समान हो जाता है। जरा याद कीजिएगा, जो मेरे लेक्चर में रेगुलर थे मैंने उन्हें बताया था, ब्रेन का जो हिस्सा पूंछ के समान हो जाता है इसको मैंने नाम दिया था स्पाइनल कॉर्ड। याद आ रहा है क्या किसी को? मेरुरज्जू बोला था हिंदी में मैं, स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में लिख देता हूं, मेरुरज्जू बोला था मैं इसको। क्लियर? जबकि ये क्या है? ये मस्तिष्क है। इतनी बात समझे होंगे आप लोग। अब देखिएगा आगे, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड, देखिए सब लोग लिख रहे हैं, मजा आता है ऐसे पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। इसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और मैंने ये भी समझाया था, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी थी, रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं थी, वर्टिब्रा थी, उन वर्टिब्रा के अंदर की तरफ ये आगे बढ़ती जाती है। अब वर्टिब्रा तो हमने किसमें पढ़ा है? ऑस्टियोलॉजी में पढ़ा है, अस्थि विज्ञान में पढ़ा है, तो वर्टिब्रा तो मैं यहां पढ़ाने से नहीं रहा, मुझे यहां पर मतलब है केवल नर्वस सिस्टम से। तो देखिएगा, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। आपको पता है कि जो हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है? मस्तिष्क का ही एक प्रकार है। वास्तविकता में शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का, ऑर्गेन का, ये रेगुलेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे ये, और जब ये कोऑर्डिनेशन करेंगे, समन्वय करेंगे, तो इनका कॉन्टैक्ट भी तो होना चाहिए। वास्तविकता में ब्रेन का कॉन्टैक्ट शरीर के भिन्न भिन्न भागों से, इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका कॉन्टैक्ट शरीर के भिन्न भिन्न भागों से, ये देखिएगा ये तार के फॉर्म में है, ये देखिएगा
ये वास्तविकता में जो तार जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं इनको हम लोग नर्व बोलते हैं। ये देखिए, ये है नर्व, नर्व्स हैं। ये भी क्या है, रेड कलर से बनाया हूं, ये नर्व है। आपने सुना होगा, मैं शुरू में भी पढ़ाया था इनके बारे में, ये नर्व्स हैं। क्लियर? जो नर्व ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन से, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम? क्रेनियल नर्व्स। देखिएगा, तंत्र हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका, और भैया क्रेनियल ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, देवनागरी लिपि में भी। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, जबकि जो 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 नर्व यहां से निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से, इन्हें नाम देते हैं हम स्पाइनल नर्व या फिर मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। क्लियर है मेरी बात? इसको बोलेंगे मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। तो ये वाली हो गई क्रेनियल नर्व्स, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये 12 इन पेयर होती हैं। कितनी होती हैं संख्या में? 12 इन पेयर, मतलब 24 होंगी। क्लियर मेरी बात? जबकि जो स्पाइनल नर्व होती है इनकी संख्या होती है 31 पेयर्स, यानी कि 31 × 2 = 62 हो जाएंगी। क्लियर है मेरी बात आपको? क्रेनियल नर्व्स 12 इन पेयर होंगी, 12 इस तरफ निकल रही होंगी और 12 इस तरफ निकल रही होंगी, जो कि बेसिकली कोई फेस को जा रही होगी, कोई टंग को जा रही होगी, कोई नोज को जा रही होगी, कोई आंख को जा रही होगी। जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही है ये वाली भी कहीं पैर को जा रही होगी तो कहीं हाथ को जा रही होगी, अलग अलग भागों को जा रही होगी। ये पूरा नर्वस सिस्टम के अंदर हमको पढ़ना होता है। यानी नर्वस सिस्टम में हमको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहली बात तो हमें मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद में मस्तिष्क का ही जो एक्सटेंशन है कॉर्ड के फॉर्म में, हमको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। इसके बाद में आप देखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से क्या निकल रही है? तंत्रिकाएं निकल रही है, नर्व निकल रही है। हमको यहां पर नर्व्स के बारे में पढ़ना है, नर्व के बारे में। चलिएगा, आंसर कीजिएगा। जो लिविंग होते हैं, यस सर, बिल्कुल क्लियर, गुड। देखिएगा, जो लिविंग होते हैं, बेसिकली लिविंग के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर हो, सेल से मिलकर बना होता है। आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं इस बात में? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है लिविंग के अंदर, जीवधारी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है, जरा खुद बताइएगा, क्या ये कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनी होंगी? जिन्हें मैं तार तार कर रहा था, नर्व बोल रहा हूं, ये भी तो कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी। नर्व जिन सेल से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। क्लियर? न्यूरॉन्स। और वास्तविकता में ये न्यूरॉन्स जो होते हैं यही ब्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे, यही आपको स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेंगे, और यही आपको नर्व में देखने को मिलेंगे, तंत्रिकाओं में न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। और न्यूरॉन क्या है? सिंगल सेल विच इज फॉर्म टू नर्वस सिस्टम, कई सारे नंबर में होगा। यही कारण है कि न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। क्लियर है मेरी बात? तो हमको यहां पर नर्व और नर्व जिससे मिलकर बनी है न्यूरॉन, इनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का, और आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हमको पढ़ना क्या है और हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं इसको। क्योंकि हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, यदि मैं बोल पा रहा हूं तो देखिएगा, आप बोलते हैं मुंह से बोल रहे हो, मुंह से तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा हूं, मुझे यहां पर क्या बोलना है, मुझे क्या करना है, ये बेसिकली काम कराता है मेरा मस्तिष्क। मस्तिष्क किसी भी चीज को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। बोलते समय मेरा हार्ट भी धड़क रहा है नॉर्मल वे से, क्यों धड़क पा रहा है? क्योंकि मस्तिष्क जो है वो उसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? तो ये एक इंट्रोडक्शन है, हमको ये सब कुछ यहां पर ये कवर करना है, ठीक है। चलते हैं आगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं जो मैं डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा था सिंपल से फॉर्म में। हाँ, कार्यात्मक, हाँ बिल्कुल, हाँ संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। सिस्टमैटिक वे में मैंने नोट्स बनाया, चाहे प्री दीजिएगा, मेंस दीजिएगा, एनटीपीसी दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे और गारंटी है नोट्स में से ही सब कुछ आ जाएगा। चलिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ना ज्यादा से ज्यादा। उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभार, कुछ लोग धोखे में जी रहे हैं। चार बातें पढ़ा दी किसी ने साइंस की, और पढ़ा कौन रहा है साइंस जिनका बैकग्राउंड है आर्ट का? नहीं होगा। अब साइंस वाला बहुत अच्छा नहीं कर सकता, जैसे कि आप सोचें कि भाई फिलोसफी बहुत अच्छी कर दे, नहीं होगा। साइंस स्पेशलाइजेशन मांगता है। कई बच्चे जो है थोड़ा ट्रैक से भटक जाते हैं, उन्हें वो सुनना पसंद आता है जो उनको पहले से आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक चीज क्लियर करके चलना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है एग्जाम का ये, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग, ठीक। टेक्नोलॉजी जब भी पढ़ाऊंगा, जब इसके सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएंगे, याद रखने वाली बात। चलते हैं आगे, बात करते हैं, और गारंटी है टेक्नोलॉजी में आपको
हम मजे करवा देंगे, आपको गदगद कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको फील करा दूंगा टेक्नोलॉजी क्या होती है, और आपको कुछ भी नहीं रटना, ए टू जेड याद हो जाएगा यहीं पर। चलते हैं आगे बात करते हैं हम लोग। यदि हम देखें, यदि हम यहां पर देखते हैं, हम नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है हमको समझ में आ जाएगा, और पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है, आप समझ के चलना। देखिएगा, ये पूरा नर्वस सिस्टम है, लिखा है ये ऊपर, मैं क्यों लिख रहा हूं दोबारा। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, हम एक बात समझ गए कि नर्वस सिस्टम में हमको ब्रेन पढ़ना है, नर्वस सिस्टम में हमको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, नर्व्स के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं, पूरा जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इसको हम पढ़ने के लिए दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, शॉर्ट में CNS लिखते हैं, क्या होता है अभी बताता हूं। दूसरा पार्ट होता है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग PNS लिखते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। अब समझना आप मेरे को यहीं पे। बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत हमको स्टडी करना है ब्रेन के बारे में, मैं पहले ही बता चुका हूं, ब्रेन के बारे में, माने मस्तिष्क के बारे में, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो मेरु रज्जु एक्सटेंशन विस्तार मस्तिष्क का पूंछ के रूप में रीढ़ की हड्डियों के अंदर की तरफ, वर्टिब्रा के अंदर की तरफ। तो ये दोनों चीजें जो इंक्लूड होती हैं, वो होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना होता है नर्व्स के बारे में, तंत्रिकाओं के बारे में, नर्व्स के बारे में, ठीक है। यहीं पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जरा समझ जाना। यहां पर हम तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में, और नर्व किससे मिलकर बनी होगी, किससे, न्यूरॉन से, तो न्यूरॉन भी यहीं पर पढ़ लेंगे हम लोग। जो नर्व होती है, बेसिकली ये दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व। समझा रहा हूं, समझना यहां पे बहुत गौर से मुझे आप लोग। क्रेनियल नर्व का मतलब होता है वो तंत्रिकाएं जो बेसिकली मस्तिष्क से निकलती हैं। हाँ गुड, देखो न्यूरॉन सेल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग। क्रेनियल नर्व का मतलब होता है जो हमारे किससे निकलती है, मस्तिष्क से। इससे प्रीवियसली मैं जो डायग्राम बना रहा था, देखिएगा, मैंने वहीं पर बताया था, कुछ तार जो होते हैं मस्तिष्क से निकलते हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, जिनका ओरिजिन मस्तिष्क से होता है, ऐसी नर्व को हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व, ठीक है। इनकी कितनी संख्या थी, 12 इन पेयर बताया था मैं आपको, ये 12 जोड़ी होती है, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, याद रखना आप लोग मेरी बात को, ठीक है। क्रेनियल, और बिल्कुल सही, स्पाइनल में आप देखेंगे, यदि स्पाइनल में मैंने बताया था 31 पेयर होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये आपको याद रखना है नर्व के बारे में इंफॉर्मेशन, और थोड़ी सी बात यहीं समझ लीजिएगा आप मेरी। यदि हम नर्व्स को देखें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व। उत्पत्ति के आधार पर जो नर्व होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती है क्रेनियल नर्व, जिनका ओरिजिन मस्तिष्क से होता है, दूसरी होती है स्पाइनल नर्व, जिसका ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड से होता है या फिर मेरु रज्जु से होता है, ठीक है। जबकि इसका एक और क्लासिफिकेशन है डायरेक्शन के बेस पर। मैंने आपको समझाया था जो ब्रेन होता है, बेसिकली इंपल्सिस वर्ड में यूज किया था, अभी जरा देख लो उसका मतलब। मैं बोलता हूं डायरेक्शन के बेस पर, फंक्शन के डायरेक्शन, दिशा के बेस पर, डायरेक्शन के बेस पर नर्व जो होती हैं तीन तरीके की होंगी, मैं यहां बनाता हूं, समझा देता हूं आपको। नंबर पहली सेंसरी, संवेदी बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में लिख देता हूं मैं संवेदी, सेंसरी या फिर संवेदी। दूसरी होती है मोटर, मोटर का मतलब होता है चालक, चालक। तीसरी होती है मिश्रित, मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब मिश्रित। जरा समझाता हूं मैं आपको, समझना आप लोग गौर से मुझे। मैं बोलता हूं नर्व जो होती हैं डायरेक्शन के बेस पर, दिशा के आधार पर, कार्य की दिशा के आधार पर तीन तरीके की होती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। क्या मतलब है वो समझिए। जैसे देखिएगा, मेरा हाथ है ये हाथ, ठीक है, मैं यदि अभी यहां खड़ा हूं तो कोई बात नहीं है। यदि मान के चलिएगा ये बोर्ड बहुत ज्यादा गर्म है, गर्म एकदम, मैंने इसको एकदम टच किया है ऐसे,
जब मैंने इसको टच किया तो मैं एकदम क्या करूंगा, मुझे गर्म लगेगा, मैं अपना हाथ हटा लूंगा। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, मुझे कैसे पता लगा कि ये गर्म है, इससे मेरा नुकसान होगा? तो मैं आपको बताऊं, वास्तविकता में यहां पर काफी कुछ नर्व होंगी। ये नर्व यहां से जो मैसेज होगा, ये नर्व यहां से जो मैसेज होगा, उस मैसेज को यहां से कैरी करते हुए ले जाएंगी कहां पर, ब्रेन पर। और ये किसके फॉर्म में ले जाएगी, ये करंट के फॉर्म में ले जाएगी। उस मैसेज को इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू ले जाया जाएगा, करंट के थ्रू फ्लो करती चली जाएगी और मस्तिष्क में पहुंचेगा। मस्तिष्क एहसास कराएगा कि उससे आपको नुकसान हो सकता है, ब्रेन एहसास कराएगा या मेरुवज्जू एहसास कराएगा कि आपको नुकसान हो सकता है, अपना हाथ हटाइएगा। तो मैं क्या करूंगा, एकदम हाथ हटा लूंगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, जो सेंसरी होती हैं, ये वो नर्व होती हैं जो कि मैसेज को अफेक्टेड ऑर्गन से, जो ऑर्गन अफेक्ट, जैसे मेरा अफेक्ट क्या हुआ, हाथ, अफेक्टेड ऑर्गन से मस्तिष्क की तरफ या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज ले जाती हैं, इसको हम बोलते हैं सेंसरी। इज इट क्लियर और नॉट? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला आप लोगों को? तो देखिएगा, सेंसरी का मीनिंग क्या होगा, जो मैसेज को सेंसरी ऑर्गन या फिर अफेक्टेड ऑर्गन, एक ही बात है, जो मैसेज को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ले जाएगी, मस्तिष्क की तरफ ले जाएगी, उसे हम बोलेंगे क्या, सेंसरी टाइप ऑफ नर्व। क्लियर है मेरी बात? अब इधर आ जाइएगा, मोटर, जरा सुनना मेरी बात को आप लोग गौर से। जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, सही बात है ना, बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। मैं आपको भी देख रहा हूं, वहां पे इधर भी मेरा ध्यान है, उधर भी मेरा ध्यान है, सब जगह मेरा ध्यान चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूं, लगातार लिखता जा रहा हूं। देखो ये पंकज सर लिख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडी पॉइंट से, हाँ सही बोल रहे हैं, और देखो सब खुश भी हो रहे हैं, लेकिन हाँ काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बराबर चल रहा है ना। तो देखिएगा, मैं यहां पर आया, आने के बाद में देखिएगा, मैं आता हूं, मैंने किसी को टच वच नहीं किया है ना, मैं आया और मैंने हाथ से लिखना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा जो मस्तिष्क है, इसने करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट किया, अब वो इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां से चला, ब्रेन से चला, नर्व के माध्यम से, और मेरे हाथ पर पहुंचा, और हाथ ने समझा कि लिखना है भाई तुमको। वास्तविकता में मोटर या फिर चालक जो नर्व होती हैं, ये वो नर्व होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्सेस या फिर ऑर्डर का ट्रांसमिशन, संवहन ब्रेन से ऑर्गन तक करती हैं। क्लियर है मेरी बात? यानी ये जो होंगी मोटर, ये ब्रेन से मस्तिष्क से जो मैसेज होंगे उनको ले जाएंगी कहां पर, या तो ग्लैंड तक ले जाएंगी, ग्लैंड्स मतलब ऑर्गन समझ लीजिएगा, या फिर ऑर्गन तक ले जाएंगी, इनको हम बोलेंगे मोटर। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? देखो सब खुश हो गए, प्रकृति जैन प्रशांत विशांत सब खुश हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, गदगद। इसके बाद में मिक्स पर आ जाइएगा। मिक्स का मतलब होता है जो बाई डायरेक्शनल वर्क करती हैं, ऐसी तंत्रिकाएं जो मैसेज को अफेक्टेड ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर मेरुरज्जू तक, स्पाइनल कॉर्ड तक भी ले जाएं, और वहां से स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से मैसेज को ऑर्गन तक भी लेके आ जाएं, इनको बोलते हैं मिक्स्ड। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इससे बेहतर और क्या होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं पूरी बात, ठीक है? तो आपको याद रखेंगे, जो तंत्रिकाएं होती हैं इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे, क्रेनियल नर्व जो कि मस्तिष्क से निकलती है, ब्रेन से निकलती है, 12 in pair, 12 होती है संख्या में, 24 होती है संख्या में, और जोड़े में होती है 12। जबकि स्पाइनल नर्व को यदि आप देखेंगे तो स्पाइनल नर्व जो होंगी, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये मेरुरज्जू से निकलेंगी, मेरुरज्जू वाले पोर्शन से ना। देखो ये तो निकल गई कौन सी, क्रेनियल, और ये मेरुरज्जू है, इससे निकल गई ये स्पाइनल नर्व, ये 12 in pair, ये 31 in pair, ओके? जबकि आप देखें ये वाला दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और इंपल्सेज, इट इज डिवाइडेड इंटू फर्दर 3 types, आवेगों के संचरण की दिशा के आधार पर। ये 3 तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन सेंसरी, सेंसरी का मतलब होगा संवेदी का मतलब होगा, जो बेसिकली सर मिक्स्ड, एक बार मिक्स्ड का दोनों को मिक्स कर दो ना, संवेदी उसको बता, एक बार क्या हर चीज को 3 बार बता ही रहे हैं। मैं बोलता हूं जो सेंसरी होगी अफेक्टेड ऑर्गन से, हाथ चिपकाया, गर्मी महसूस हुई, हाथ हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि यहां से सेंसरी जो होंगी ये मैसेज को ले जाएंगी कहां पर, ब्रेन पर। फिर ब्रेन कहेगा कि यार वहां से तुमको नुकसान हो सकता है, हाथ हटाओ जल्दी से। फिर ब्रेन से जो मैसेज लेकर आ रही होगी वो हो जाएगी क्या, मोटर, ठीक है? और यदि ये दोनों काम एक कर दे तो वो हो जाएगी मिक्स, क्लियर? तो यानी एक एग्जांपल फिर से मैं देता हूं, मैंने हाथ को ऐसे यहां पर लगाया, ये गर्म था,
मैंने एकदम हाथ को हटाया तो पहले क्या होगा, ये गर्म था, ये महसूस किया किसने, नर्व ने, नर्व ने महसूस किया कि कुछ है, उसकी वजह से करंट जनरेट हुआ, वो करंट पहुंचा ब्रेन तक, ब्रेन ने बताया क्या है, फिर ब्रेन से करंट प्रोड्यूस हुआ, फिर हाथ की तरफ क्या करना है इस बात का मैसेज लेके आएगा कौन, मोटर। और यदि ये दोनों काम एक से ही हो जाए तो वो होती है मिक्स्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा जो बातें मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, सनोवर भी खुश हो रही है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के नहीं है, आप चिंता मत कीजिएगा, स्ट्रीम आपका कोई भी हो, एक्सपर्ट हम आपको कर देंगे सब्जेक्ट में, बट रेगुलरिटी इज मस्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहां पे एक इंफॉर्मेशन और दी देता हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको, देखिएगा बेसिकली जो मस्तिष्क से निकलती है ना, जो क्रेनियल नर्व होती है ना, क्रेनियल नर्व में सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है और मिक्स्ड भी होती है। क्रेनियल नर्व संवेदी प्रकार की भी हो सकती है, चालक प्रकार की भी हो सकती है, मिश्रित प्रकार की भी हो सकती है, लेकिन जो स्पाइनल नर्व होती है ये हमेशा कैसी होती है, ये हमेशा मिक्स्ड होती है। याद रखना आप लोग वाली बात, स्पाइनल नर्व हमेशा कैसी होती है, मिक्स्ड, मतलब एक ही नर्व जाने का और ले जाने का काम कर देगी। जबकि ब्रेन के अंदर आप देखेंगे, ब्रेन में भी आप देखें तो हमें जो नर्व देखने को मिलेंगी वो तीनों प्रकार की होंगी, सेंसरी भी होंगी और मोटर भी होंगी और कौन सी कैसी और होंगी, मिक्स्ड भी होंगी। यदि कोई जानना चाहे तो मैं बता देता हूं, जो मिक्स्ड होती है चार होती है, फोर, सेंसरी थ्री, ब्रेन के अंदर ही देखेंगे तीन कैसी होती है, सेंसरी, क्रेनियल से होती है, तीन सेंसरी होती है, जो चार होती है बेसिकली, चार, चार आपकी होती है मिक्स्ड, फोर होती है मिक्स्ड, जबकि और हम देखें थे यहां पर फोर मिक्स्ड हो गई। इसके बाद में जो फाइव होती है वो होती है मोटर, फाइव होती है मोटर, मैं एक तरफ की बता रहा हूं ना, ये एक तरफ की, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आप याद रखेंगे सारी जानकारी जो मैं बताया हूं। आप लोगों को यदि क्लियर हो गया हो तो जल्दी से थम चिपका दिए, चिपका दीजिए इस पे, मैं द्रोणाचार्य और आप मेरे शिष्य, देखो जल्दी से थम इस पे ना। चलिए, तो आगे बात करते हैं। हाँ ठीक है, सुब्धा सर एएनएस का क्लास, हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा अभी, ये सुब्धा बोर्ड नहीं बचा है मेरे पास में, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि मैं शर्ट पे लिख दूं, शर्ट पे तो नहीं लिखूंगा, अभी लिखता हूं मैं ये मिटाने के बाद में, चिंता ना करो, बिल्कुल घबराओ नहीं, सब बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, वरना लोग रोते हैं इसके मारे के भाई ब्रेन समझ में नहीं आता, बड़ी दिक्कत है, मैं लिखता हूं अभी, चलिएगा इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, परिधीय तंत्र का तंत्र बोलते हैं हिंदी में, जो परिधीय तंत्र का तंत्र होगा, मित्र के लिख, मिटार के लिख दो, हाँ देखो मैं डर गया, सौम्या के लिख रही है, मित्र के लिख दो। चलिएगा देखिएगा, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आप खुद दिमाग लगाइए जरा, अकेली तंत्रिका कुछ कर सकती है क्या? तंत्रिकाएं जो होती है, नर्व जो होती है, इनका जो कनेक्शन होता है, नर्व्स का जो कनेक्शन होता है वो या तो स्पाइनल कॉर्ड से होगा या फिर किससे होगा, मस्तिष्क से होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कौन सा काम कौन करवा रहा है इसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने जब ऑर्गेन के बेस पर डिवाइड किया था तब तो देखिएगा मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डाल दिया और यहां पर मैंने आपको नर्व पढ़ा दी थी, क्लियर। लेकिन एक इसी के अंतर्गत पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक तरीका और है डिवाइड करने का, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम के आधार पर। और देखिएगा काम कब तक नहीं होगा, काम जब तक नहीं होगा, काम जब तक नहीं होगा जब तक कि तंत्रिका के साथ में हम ब्रेन का या फिर स्पाइनल कॉर्ड का वो हिस्सा नहीं पढ़ेंगे जिसके साथ में वो कनेक्ट है। ठीक है, तो हम फंक्शन के आधार पर यदि देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे फिर डिवाइड करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं ये मिटा के। ठीक है, चलिए याद रखना ना सारी बातें, आप लोग एक एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं वरना पूरा ब्रेन खत्म हो जाता है, यही समझ नहीं आता कि पीएनएस में से वो एएनएस कहां से आ गया और फलाना कहां से आ गया और ठिकाना कहां से आ गया। ठीक है ना, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूं। चलिएगा, जो परिधीय तंत्र का तंत्र होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो काम के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में ना, एक होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम
किसको? पीएनएस को डिवाइड कर रहा हूं मैं। सोमेटिक को हिंदी में बोलते हैं कायिक तंत्र का तंत्र। एक होगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम ना। फंक्शन के बेस पे पैरेलल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हाँ, प्रकृति जैन आंसर कर रही है, सोनाली जी भी आंसर कर रही है, गुड, बैक टू बैक। चलिए आंसर दिए जा रहे हैं, नौ बार खुशी होती है हमें। देखिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं कायिक और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्र का तंत्र। ठीक है, देखिएगा, अगर आप महानता देखिएगा लोगों की, आप लोग कि ब्रेन पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब ये ऐसा होता है कि बीच में से एक सेकंड भी जरूर हुए ना तो समझ नहीं पड़ेगा। और कई लोग देखोगे आनंद छान रहे हैं कि अभी आ गए फिर चले गए उसके बाद में, बड़ी दुविधा हो जाएगी ना इससे, खुद की भी नाक कटेगी और मेरी भी कटवाएंगे। तो खैर, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, देखिएगा यहीं पर एक बात फिर समझते हैं हम लोग, यहीं पर एक बात और समझते हैं हम लोग। हमारे शरीर के अंदर जितने भी काम होते हैं ना, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी कार्य हो रहे होते हैं वर्क, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जरा समझना आप लोग। कुछ तो काम ऐसे होते हैं जो कि मेरी मर्जी पे डिपेंड करते हैं, मुझे करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। जैसे देखिएगा, मुझे बोलना है तो बोलना है, नहीं बोलना है ना, नहीं बोलना, मैं खड़ा हूं, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। ऐसी क्रियाएं जो कि जिनके ऊपर हमारा बस चलता है, ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, वॉलंटरी एक्शन। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी एक्शन, ऐच्छिक क्रियाएं, वॉलंटरी ना, ऐच्छिक क्रियाएं बोलते हैं हिंदी माध्यम के लिए, वॉलंटरी। जैसे मैं चल रहा हूं, जब तक चलना है चल रहा हूं, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है, पहली बात। दूसरे तरीके के फंक्शंस होते हैं, दूसरे तरीके के, मेरी उनके ऊपर मर्जी नहीं चलती, मेरी हमारा बस नहीं चलता। जैसे कैसे, मेरा दिल धड़क रहा है तो धड़क रहा है, कोई कुछ कर सकता है क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता, धड़क रहा है तो धड़केगा ही धड़केगा। मेरे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो फूल रहा है सुकड़ रहा है तो सुकड़ेगा सुकड़ेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फूलेगा भी और वो सुकड़ेगा भी, अपने आप काम करता रहेगा। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, उन्हें कहते हैं इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? जिन पर हमारा बस चलता है उन्हें वॉलेंट्री ऐच्छिक क्रियाएं है, जिनके ऊपर हमारा बस नहीं चलता उन्हें क्या बोलेंगे हम? इनवॉलेंट्री बोलेंगे। अब यहीं पर एक बात और सुनिएगा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बेसिकली किसी ना किसी वजह से होते हैं, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। जैसे देखो, समझ गया ना, समझने वाले समझे या नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी का रिएक्शन होता है। जैसे देखो, मेरा हाथ है, मैं शांति से खड़ा हूं, शांति से, अब कोई हाथ में आके मेरे हाथ में स्विच चुबा देगा, मैं एकदम अपने हाथ को हटा लूंगा। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं ये तो नहीं बोल सकता इसको हिंदी में, हाँ हिंदी बता रहा हूं मैं, बिल्कुल प्रत्यावर्ती क्रियाएं, प्रत्यावर्ती क्रियाएं ना, मैं लिख दूंगा अभी। तीसरे वाले जो है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस, या फिर प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहते हैं ना हिंदी में, प्रत्यावर्ती क्रियाएं। ओके, ठीक है, प्रत्यावर्ती क्रियाएं। ओके, तो ये क्या है, ये कुछ हुआ है तभी कुछ हुआ है, ये इसका एग्जांपल है। जैसे देखो, मेरे हाथ में किसी ने स्विच उबोया, मैंने एकदम हाथ हटा लिया, मुझे पता थोड़ी था स्विच उबाने वाला है, लेकिन उसके बाद भी ये मैंने अपना हाथ हटा लिया। ये भी बेसिकली टाइप होते हैं अनैच्छिक क्रियाओं के, इनवॉलंटरी एक्शंस के, लेकिन इनको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती क्रियाएं या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। प्रत्यावर्ती क्रियाएं जितनी भी होती हैं उन सभी का नियंत्रण जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, सर ये किसमें आएगा, कौन ये बेसिक किसमें आएगा, क्या पूरा लिखो बात मेरी, पूरा क्वेश्चन समझाओ। तो देखिएगा, ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये बेसिकली जितने भी शरीर में ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। जैसे हमारे हाथ पैरों को जो सप्लाई जा रही होगी, इसकी तंत्रिकाओं की या उनके नियंत्रण से संबंधित जो भी नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, उसे बोलेंगे हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्र का तंत्र। क्या बोलेंगे? कायिक तंत्र का तंत्र, रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बताया, रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड सब बोला हूंगा मैं। तो देखिएगा, जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, हिंदी में बोलते हैं कायिक, कायिक, कायिक तंत्र का तंत्र, ये जो होता है हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है ये, ठीक है, जैसे चलने का, फिरने का, मतलब ये जो होगा बेसिकली ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा हमारे चलने से, फिरने से,
चलने फिरने से संबंधित तंत्र का नाम था स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के रेगुलेशन से संबंधित होता है ये, स्केलेटल सिस्टम इसी से मैनेज होता है, स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? स्केलेटल सिस्टम का रेगुलेशन इसी के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि ये कैसी क्रियाओं को कंट्रोल करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को। ठीक है, इसके अंदर जो नर्व होती है, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये मैं फंक्शन के बेस पर बता रहा हूं, तो फंक्शन कराने के लिए इसके अंदर ही देखेंगे आप क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं, क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं, और इसके अंदर स्पाइनल नर्व्स भी आती हैं। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी, जो लोग रेगुलरिटी से होंगे उनको बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, जो लोग आ और जा रहे हैं उनको नहीं आएगा ना। तो मैं बोलता हूं ये इसको सप्लाई क्रेनियल नर्व से भी होती है और स्पाइनल नर्व से भी होती है, नर्वज से निकलने वाली तंत्रिकाओं से भी होती है। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे। वास्तविकता में जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, ये वो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी एक्शन से रिलेटेड है, लेकिन ये इमरजेंसी के फॉर्म में काम करता है। जैसे देखिएगा, मैं कहीं जाऊंगा, यदि मैं कहीं बाहर निकल के जाता हूं तो ये थोड़ी सोच के जाऊंगा कि मेरी किसी से लड़ाई हो रही होगी, यदि अचानक मेरी किसी से लड़ाई हो जाएगी तो मैं लड़ने की कोशिश करूंगा, तब शरीर के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, जो नॉर्मल, अब ऐसा थोड़ी है किसी ने गाल में चाटा मार दिया और बोल रहे हैं हाँ ठीक है और देते रहो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे हैं, अरे अपना प्रोटेक्शन तो करेंगे करेंगे ना। इमरजेंसी के समय एक्टिवेट होता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित है। जैसे देखो कैसे लड़ते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, पसीना आने लगता है बॉडी पे, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, और तो और जब पिटाई भी पड़ती है लड़ते समय तो उस समय दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेट होता है उस समय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर? तो देखिएगा, बाद में दर्द होता है, उस समय तो नहीं होता। एटलीस्ट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है, इट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू टू टाइप्स, दो भागों में विभाजित करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, इसको यहां से ना, जिससे आप समझ पाए, इसको मिटा देता हूं मैं। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पैरासिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी, अनुकंपी इसको बोलते हैं परानुकंपी, परानुकंपी। ठीक है, देखिएगा अब होगा क्या, यहां पे होगा यहां पर ये कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है अनुकंपी, ये बेसिकली लड़ाई वगैरह के समय काम करता है। किसी ने गाल में एक दिया, अब ये थोड़ी हम विचार कर रहे हैं कि इसके गाल में देंगे कि नहीं देंगे, यदि ये एक्टिवेट है प्रॉपर तो एक दिया तो चार ही देंगे उसमें, या फिर वहां से भागेंगे, दो ही काम होते हैं। सामने वाले को देख के डिसाइड करते हैं कि इससे लड़ना है या फिर यहां से भागना है, ये डिसाइड करवा रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वास्तविकता में ये मोस्टली इमरजेंसी के फॉर्म में काम करेगा। इमरजेंसी में जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे खुशी हो, उस केस में आपका ये काम करता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो इमरजेंसी के केस में काम करेगा ये, राइट। दूसरी बात मैं आपको समझाऊंगा, एक्चुअली होता ये है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे देखो एक घटना होती है तो किसी को वो सुख लगता है, किसी को वही दुख लगता है देखने में। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलना आपका कोई दुश्मन है वो मर जाए तो आपको आनंद आ जाएगा, हाँ मजा आ गया, मर गया ठीक ही रहा। लेकिन यदि आप देखेंगे कोई उसके अपने होंगे उन्हें बुरा लगेगा। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल बनते हैं और वो केमिकल कुछ करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमें एहसास होता है। वास्तविकता में यदि हम यहां पर देखेंगे कुछ केमिकल का फॉर्मेशन होता है, वो जो केमिकल जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मैं समझाऊंगा आगे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो होते हैं एड्रिनेलिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन, याद रखना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन बनते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। मैं समझाऊंगा आगे आपको ये बात। अब आता है पैरासिंपैथेटिक, और एक और सुन लें, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, आंखों का लाल कर देना, सांसों का तेज कर देना, है ना, पसीना आना, रोंगटे खड़े कर देना, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। ठीक है, वास्तविकता में हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्कीय ग्रंथि,
क्या कहते हैं उसको, अधिवृक्कीय ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। जो अधिवृक्कीय ग्रंथि होती है उसको एक्साइट करता है ये। अधिवृक्कीय ग्रंथि हार्मोन निकालती है एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन, जो बेसिकली लेके आते हैं आपको उस स्टेट में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। हाँ एड्रिनलिन, हाँ बिल्कुल सही। तो एड्रिनलिन जो हार्मोन बिल्कुल निकालती है, ये सही कह रहे हैं आप लोग। तो एड्रिनल ग्रंथि को एक्साइट करता है, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। एड्रिनल ग्रंथि के एक्साइट होने की वजह से आपको सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया इमरजेंसी की कंडीशन चल रही है तो भाई इमरजेंसी कंडीशन में बने हैं, डले हैं, आंखें लाल करके, सांसें तेज करके, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई इतना भयानक भी नहीं बनेगा बहुत देर तक ना, 10-5 मिनट ठीक लगता है, फिर तो मान ही जाते हो, मानना भी चाहिए, है ना सर। रिफ्लेक्स एक्शन किस में आता है? बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड रिएक्शन, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट अ इमरजेंसी टाइप ऑफ सिचुएशन ना, इट्स अ इमीडिएट सिचुएशन और अनचाही परिस्थिति होती है। इट इज मेनली कवर्ड बाय, इट इज मेनली कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से मैनेज होता है ना। ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन, देखो सही बता रहे हैं विकास सक्सेना जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। तो आप याद रखेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि लगातार वही सिचुएशन बनी रहेगी, आंखें कर रखी है रावण की तरह, है ना, मुंह बना रखा है, मुंह चढ़ा रखा है ना, एकदम देवी की तरह, तो ये तो नहीं चल पाएगा। अब इसको नॉर्मल जो लेके आता है सिचुएशन को, उसे बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक। क्लियर? यानी इमरजेंसी की कंडीशन को जो नॉर्मल करेगा, उस तंत्रिका तंत्र के भाग को आप बोलेंगे पैरासिंपैथेटिक। और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो केमिकल निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा उसे हम बोलते हैं एसिटाइलकोलीन, ACH बोलते हैं। ACH याद रखिएगा, इधर लिख देता हूं। ACH का फुल फॉर्म होता है एसिटाइलकोलीन, एसिटाइलकोलीन। ठीक है, सब पूछा गया एग्जाम में, हिंदी माध्यम के छात्र लिख सकते हैं एसिटाइलकोलीन। क्लियर? बेसिकली इमरजेंसी के केस में ये ग्लैंड, ये वाला जो सिस्टम है बेसिकली काम करता है। इसलिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को हम इमरजेंसी सिस्टम भी कहते हैं। और यही कारण है कि इस नर्वस सिस्टम के पार्ट को हम लोग फाइट, फ्लाइट एंड फाइट, उठो जागो भागो जो भी होता हो, ये बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपको लिखा मिल जाएगा नोट्स में। आप लोगों को मेरी बात यदि समझ में आ गई हो, इमोशंस का भी यही बिल्कुल प्रांजलि तुम सही कह रही हो। इमोशंस का कंट्रोल बेसिकली ब्रेन के थ्रू होता है। इट इज बेसिकली ये जो है ना, ये ब्रेन, देखिए जो फीलिंग्स होता है ना, फीलिंग्स मैं बताऊंगा आपको, ब्रेन पढ़ाऊंगा तब, जो फीलिंग्स होता है लव इमोशंस अफेक्शंस अट्रैक्शंस, है ना, ये सब ब्रेन का खेल है। मैं समझाऊंगा, केमिकल है, चिंता ना करो। और इसको तो मैं खूब समझाऊंगा, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है, तो यदि ये बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे जा रहे हैं। देखिए मैं फिर बोलूंगा, ये लोग जो आके जा रहे हैं, जाके आ रहे हैं इंपल्सेस की तरह, तो ऐसा ना कीजिएगा, रेगुलरिटी से देखिएगा तो आनंद भी आएगा आपको। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अंतर होता है। ये स्टोरी वाला सब्जेक्ट नहीं है कि जहां पर चाय जब आके आनंद मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आनंद चाहिए तो शुरू से आइए, तब मिलेगा। चलिए मिटा देते हैं, वरना डर जाएगा कोई देख के, ऐसा तो वरना डर जाएगा कोई देख के कि ये क्या ही कर रहे हैं यहां पे, क्या नाटक मचा रखा है। इसके लिए रेगुलर होना जरूरी है। चलेंगे तो चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। कोई भाई ये मत समझना मैं टॉर्चर कर रहा हूं, बिल्कुल टॉर्चर नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। ये बायोलॉजी है, मैं आप ही लोगों के अंगों के बारे में पढ़ा रहा हूं, लगा लीजिएगा। अंग आपके हैं, समझा मैं रहा हूं, आप खुद ही देख लें यहां पे क्या विडंबना है, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। चलते हैं आगे बात करते हैं। हम तो नहीं लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा ना, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुश हो रहे हैं सब लोग, प्रकृति वर्षा सभी लोग। चलिएगा आगे बात करते हैं। ये समझ लीजिएगा, अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना क्या होता है, वही लूसेंट खोली नहीं और शुरुआत करी नहीं, पता लगा कब टॉपिक खत्म हो गया, उससे होता कुछ नहीं है। सिर्फ दिल की शांति मिलती है, पर एग्जाम में कभी शांति नहीं मिलेगी उससे। खैर आ जाइएगा, हम आगे बात करते हैं यहां पे कुछ बातों के बारे में। हमने सिंपैथेटिक के बारे में पढ़ लिया, नॉन सिंपैथेटिक के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे, हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, हमको बात करना है यहां पर अब न्यूरॉन के बारे में। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन ना, न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो नर्व होती हैं, वो किससे मिलके बनी होती हैं? न्यूरॉन से मिलके बनी होती हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो पहले न्यूरॉन तो समझ लेंगे, तब तो हम आगे ब्रेन को समझेंगे, नहीं तो सीधे उठाओ ब्रेन पे आ जाएंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। बहुत बढ़िया, चलिए तो न्यूरॉन के बारे में एक चित्र बना रहा हूं मैं, एक चित्र प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। रिक्वेस्ट है आप लोग भी पेन लेके बैठा करें, और पेन नहीं ना, पेन जो होता है वो ना, वो लेके बैठा करें और पेपर, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। देखिएगा यदि हम न्यूरॉन को देखें तो मैं एक यहां डायग्राम बनाता हूं जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे मुझे और मेरी बातों को ना। चलिए ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है ये एक चित्र, इससे काफी कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे काफी कुछ। देखिएगा मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं सारी चीजें, बस आपको थोड़ा कष्ट करके रेगुलर देखना पड़े मुझे, और मैं आप ही लोगों के लिए यहां पर हूं। चलिएगा एक न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है बिल्कुल सर ठीक। सनोवर जी ने क्या डिलीट मार दिया समझ नहीं आया मुझे। यहां देखेंगे यदि हम, ये देखिए यदि हम न्यूरॉन को देखें तो इसमें ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये देखिए, ये बेसिकली ये जो पार्ट होता है न्यूरॉन का ऊपर की तरफ ये गोल जैसा पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग, मैं लाल से लिख देता हूं, इसको हम लोग सोमा बोलते हैं, सोमा, सौम्य नहीं ना, सोमा बोलते हैं, सोमा, या फिर इस वाले पार्ट को हम साइटोन भी कहते हैं, साइटोन। हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए एक ही है, ठीक है ना। बन रहे हैं सर, बना रहे हैं सर, ओके तो ठीक है, मैं डर गया बन रहे हैं सर, तो सोमा और साइटोन, ठीक है। यदि इसमें आप देखेंगे सोमा साइटोन में आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, देखिए ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, ये पूरा जो गोल पार्ट है इसको सोमा बोलेंगे, साइटोन बोलेंगे। इसमें जो ब्रांचिंग दिख रही है, ये ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग, ये जो ब्रांच, ये वाली ब्रांचिंग जो शाखाएं दिख रही हैं, इसको डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन, ओके। जो डेंड्रॉन होता है, डेंड्रॉन जो लास्ट सिरे पर आप देखें तो डेंड्रॉन कैसा हो जाता है, ब्रांच हो जाता है। देखिएगा ये देखिए आप डेंड्रॉन कैसा है, शाखित है, इनको हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। आपको क्या याद रखना है बताऊंगा अभी, इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट, क्लियर। मैं बोलता हूं ये आपको गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सोमा या फिर साइटोन है, इसकी जो शाखाएं होती हैं उसको डेंड्रॉन कहते हैं। जो डेंड्रॉन होती है, ये जो ब्रांच होती है, ये भी आगे चल के और ब्रांच हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। एक न्यूरॉन बराबर, एक न्यूरॉन बराबर क्या होता है सर जी, समझा नहीं आपकी बात। एक न्यूरॉन बराबर कितना होता है, बराबर कितना होता है समझा? सुनील भारती जी, फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं। एक न्यूरॉन बेसिकली यदि आप देखेंगे, यदि आप साइज पूछ रहे हैं तो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मैं आपको आंसर कर दूं, न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल होती है। यदि सिंगल सेल में सबसे लंबी देखेंगे तो सबसे लंबी सेल यही होती है, लॉन्गेस्ट में ना, अप टू 100 सेंटीमीटर। यही पूछना चाह रहे थे क्या, यही पूछना चाह रहे थे क्या? मैं समझा नहीं आपकी, ये इकाई में बता चुका हूं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई होती है। खैर इसके बाद में यदि आप देखेंगे ये जो डेंड्रॉन होता है, इसी में से एक डेंड्रॉन आप देखें ये आगे की तरफ बढ़ गया, देखो ये बढ़ गया, ये डेंड्रॉन देखो ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, और फाइनली बढ़ने के बाद में ये देखो ये भी लास्ट में जाके कैसा हो गया, ये ब्रांच हो गया। मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है, गुड, ओके ठीक है। तो आप यदि देखेंगे इसी डेंड्रॉन में से एक डेंड्रॉन आगे की तरफ बढ़ गया, ये एक्सटेंशन इसका हो गया। ये जो डेंड्रॉन होता है यहां से यहां तक का, जो आगे की तरफ बढ़ा है, अलग से दिखने लगा है, इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलेंगे इसे हम? एक्सॉन, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक्सॉन होगा, ठीक है। अब देखिए एक्सॉन के ऊपर यदि आप देखें, एक्सॉन के ऊपर आपको फैट की कुछ लेयर देखने को मिलेंगी। ये देखिएगा ये फैट की कुछ लेयर देखने को मिलती है, बताता हूं क्यों होती है, अभी देख लें थोड़ा। इसको क्या बोलेंगे? फैट लेयर होती है, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, माइलिन शीथ, माइलिन, माइलिन का आवरण या फिर माइलिन शीथ, ओके। अब यदि आप देखेंगे ये माइलिन शीथ जो है ये कंटिन्यूअसली नहीं है, बल्कि बीच बीच में इसमें क्या है? गैप है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, गैप, इसको नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर, है ना, ठीक है, रणवीर का नोड बोलते हैं इसको, रणवीर ना, ये रणवीर नहीं है ना भैया, पहले बता दूं, साइंटिस्ट का नेम है, नोड ऑफ रणवीर, ये नोड ऑफ रणवीर, क्लियर। और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? एक्सॉन। अब देखिएगा एक्सॉन जो होते हैं बेसिकली,
एक्सॉन के जो अंतिम सिरे होते हैं जो शाखित हुआ है, देखो एक्सॉन अंतिम सिरे पर, इसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन का निचला सिरा, एक्सॉन टर्मिनल। और इस एक्सॉन टर्मिनल के अंत पे देखेंगे, इसे बोलते हैं एक्सॉन बल्ब। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बल्ब। चलिए मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं यहां पर, हम यहां पर पढ़ रहे हैं, सो मैं खुश हो रही है, यदि हम यहां ये देखें, हम पढ़ क्या रहे हैं यहां पर, तो हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जिसको हम नर्व कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं, जो कि शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है, अप टू 100 सेंटीमीटर उसका साइज होता है, वो आखिर होती कैसी है? तो देखिएगा, यदि हम देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक सर्कुलर जैसा पार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं सोमा या फिर साइटोन। सोमा और साइटोन जो होता है, इसमें ब्रांचिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। क्लियर? क्या बोलेंगे उसको? डेंड्रॉन। अब ये जो डेंड्रॉन होता है, ये भी आगे चल के क्या होता है? ब्रांच होता है। ये जो ब्रांचेस होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। क्लियर? अब इन्हीं डेंड्रॉन में से एक डेंड्रॉन देखिएगा आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया, जो आगे की तरफ एक्सॉन एक्सटेंड हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? जो डेंड्रॉन आगे की तरफ एक्सटेंड हुआ है, ये डेंड्रॉन देखो, ये एक्सटेंड हो गया, इसको हम एक्सॉन बोलेंगे। देखो ये लिखा हूं मैं, एक्सॉन। क्लियर? अब एक्सॉन जो होता है, बेसिकली एक्सॉन के ऊपर लेयर पाई जाती है, किसकी? फैट की। इस लेयर को आप क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, इसमें बीच में गैप होता है, जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्लियर? और एक्सॉन के अंतिम एंड पे देखेंगे क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल होता है, और अंत में जाके क्या होता है? एक्सॉन बल्ब। आई थिंक आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आई तो जल्दी यस लिखें, जिससे मैं आगे बताऊं आपको फटाफट। सभी लोग एक साथ चलिएगा, यदि ये आप लोग मेरी बात समझ गए हो। मुस्कान पाठक ने सबसे पहले लिखा है भैया आज, तो चलिएगा। तो अब आ जाए इधर पे, मैं थोड़ी बातें और समझाने की कोशिश करता हूं, इसी में बता देता हूं आपको कुछ बातें। में पहला क्वेश्चन ये उठता है कि माइलिन शीथ है क्या, तो सुन लीजिएगा। आपको पता है जो तंत्रिकाएं होती हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलते हैं, करंट चल रहा होता है। यदि इसके बगल से एक और तंत्रिका होगी, उसके बगल से एक और नर्व होगी, यदि ये नर्व आपस में चिपक जाएंगी, तो चिपकने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इनके बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई भी जो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं, अनइवन ना हो, असामान्य ना हो, इसलिए माइलिन शीथ पाई जाती है। और ये माइलिन शीथ जो होती है, ये बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है। इट वर्क एज अ इंसुलेटर टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। क्लियर? तो ये होता है आपका क्या? माइलिन शीथ। फिर आप बोलेंगे इस प्रति नोड ऑफ रणवियर क्यों है, तो नोड ऑफ रणवियर इसलिए होती है, ये सेल है, इसको खाना तो चाहिए ही चाहिए, आसपास की सेल से इसको खाना मिलता रहता है। और मैं आपको एक बात और समझा दूं यहां पर बहुत अच्छे से, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपको न्यूरॉन तो देखने को मिलती है, ये तो देखो न्यूरॉन है, ये कई सारे न्यूरॉन होंगे, ये देख लीजिएगा, ये कई सारे न्यूरॉन होंगे, कई सारी तंत्रिकाएं बना रहे होंगे, लेकिन ये न्यूरॉन आपस में यदि चिपक गए, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम। यही कारण है कि नर्वस सिस्टम में एक सेल तो न्यूरॉन होती है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल या फिर स्वान सेल भी होती हैं। स्वान सेल न्यूरोग्लियल सेल या फिर स्वान सेल भी होती हैं, जो बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं, किसमें? नर्व के बीच बीच में। ये भी बेसिकली फंक्शन कर रही होती है इंसुलेटर का, ये नर्व को आपस में चिपकने नहीं देती। यदि ये नहीं होती तो नर्व आपस में चिपक जाती, पूरा का पूरा ब्रेन आपका डैमेज हो जाता, जिसको आप लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज। क्लियर है मेरी बात? उम्र के साथ साथ ये जो न्यूरोग्लियल सेल होती हैं, ये डिस्ट्रॉय होने लगती है। यही कारण है कि एक उम्र के बाद में बोलते हैं इसका डेथ ब्रेन हेमरेज से हो गया, उसका डेथ ब्रेन हेमरेज से हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल वहां पर नहीं होती। तो देखिएगा, समरी के फॉर्म में सुन ली दो बातें आप मेरी। हम यदि देखें यहां पर, तो आपको याद ये रखना है नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो न्यूरॉन होती है, जिसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूं। क्लियर? इसके अलावा इसमें न्यूरोग्लियल सेल भी होती है, न्यूरॉन होती है ना मेन सेल, तो इसके अलावा इसमें न्यूरोग्लियल सेल भी होती है और स्वान सेल भी होती है। न्यूरोग्लियल सेल और स्वान सेल जो होती है, ये नर्व के बीच बीच में प्रेजेंट होती है, ये बेसिकली जो न्यूरॉन होते हैं उनको न्यूट्रिशन भी देती है और उनको चिपकने से भी रोकती है। क्लियर?
बाकी मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझाया ही है। आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें सारी समझ में आई होंगी। ये टॉपिक बहुत टफ माना जाता है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको टफ लगा होगा जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कल यदि आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं मुझे और मेरी बातों को, मुझे समझे नहीं समझे ठीक है, लेकिन मेरी बातों को यदि बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको पूरी तरीके से जो मैं पढ़ाया हूँ वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे आज, जो कल नंबर थे सौम्या जी ने उसमें नंबर लिखा है, उस नंबर पर जब तक फोन लगाइएगा, जब तक आप ग्रुप में शामिल ना हो जाएं, जब तक फोन लगाइएगा सुबह शाम दिन रात लगातार, और रात में 10 बजे आपके टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा, बहुत जल्दी चैप्टर वाइज आपको सूचित कर दिया जाएगा। लगातार फोन कीजिएगा नॉन स्टॉप। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, मजे कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, बोझ से नहीं मौत से पढ़ना है। थैंक यू।